पति पत्नी और वो में चार्मिंग हीरो कार्तिक आर्यन और सनी सिंह की सुपर हिट जोड़ी को क्यों कास्ट किया जा रहा है और इस फिल्म की खास बातें क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बॉलीवुड के चार्मिंग हीरो कार्तिक आर्यन और अभिनेता सनी सिंह की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर से पर्दे पर दिखाई देने वाली है। ये दोनों कलाकार 1978 में आई बीआर चोपड़ा की फिल्म पति पत्नी और वो के रीमेक में एक साथ काम करते नजर आने वाले हैं। ये दोनों कलाकार इससे पहले प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की स्वीटी में एक साथ काम कर चुके हैं। अभिनेता सनी सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म उजड़ा चमन को लेकर चर्चाओं में है। उन्होंने अब एक और खुशखबरी अपने फैंस को दे दी है। दरअसल सनी सिंह और कार्तिक आर्यन को एक साथ फिर से फिल्म में लेकर आ रहे हैं मशहूर निर्देशक मुदस्सर अजीज। मेकर्स की ओर से खुलासा किया गया है कि ये दोनों स्टार जल्द ही शूटिंग शुरू कर देंगे। साथ ही कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर सनी सिंह के साथ ली गई तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि सोनू के टीटू आ रहे हैं चिंटू त्यागी से मिलने फिल्म पति पत्नी और वो में। आपको बता दें कि इसी नाम से बीआर चोपड़ा ने 1978 में फिल्म रिलीज की थी। उस वक्त फिल्म ने खूब कमाई की और सुपरहिट की श्रेणी में शामिल हुई थी। अब फिल्म को दोबारा बनाया जा रहा है। फिल्म के रीमेक में सुपरहिट जोड़ी कार्तिक आर्यन और सनी सिंह लीड रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे भी मुख्य भूमिका में दिखेंगी। इस फिल्म को मुदस्सर अजीज डायरेक्ट कर रहे हैं और इसे बीआर स्टूडियो के साथ मिलकर टी सीरीज प्रोड्यूस कर रही है। गौरतलब है कि कार्तिक आर्यन ने लव आजकल 2 की शूटिंग सारा अली खान के साथ पूरी की है। वो फिलहाल भूल भुलैया 2 की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सनी सिंह 8 नवम्बर को रिलीज होने वाली फिल्म उजड़ा चमन के प्रमोशन में व्यस्त चल रहे हैं। ये फिल्म जवानी में ही सिंह के बाल झड़ जाने से परेशान चमन कोहली पर केंद्रित है। वेल, आप इन दोनों की सुपरहिट जोड़ी को फिर से एक बार फिल्म में देखने को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो।